और अब बिहार की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह आज दे सकते हैं इस्तीफा, ये बड़ी खबर। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में राम सेवक सिंह सबसे आगे इस वक्त बताया जा रहे थे कि ये बड़ी खबर, वशिष्ठ नारायण सिंह आज इस्तीफा दे सकते हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष पद में वो इस वक्त फिलहाल काबिज हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि अब आज वो इससे इस्तीफा दे सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक भी आज होने वाली है और बैठक में बीजेपी के साथ चल रही खींचतान पर चर्चा भी संभव है। देखिए, लगातार ये खबरें आ रही हैं चुनाव के बाद से ही कि एनडीए में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से जेडीयू के कुछ विधायकों ने दल बदलकर बीजेपी का दामन थामा था, इसके बाद से ही ये साफ हो गया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। और देखिए, नीतीश ने भी कई बार इशारों में साफ कर दिया है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, नीतीश ने यह भी कहा। उन्होंने कहा कि पता ही नहीं चल पाया कि दोस्त कौन है अपना, दुश्मन कौन है अपना, और एनडीए में सभी विषयों पर बात भी होनी चाहिए थी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जब बात की गई तब भी नीतीश ने यह साफ कहा था कि इसकी जिम्मेदार भी बीजेपी ही है। और देखिए, बिहार में चुनाव के बाद पहली बार जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीति में कई खामियां भी स्वीकार की हैं। और खबर ये भी आई है कि बैठक में नीतीश कुमार ने कह दिया कि चुनाव में जेडीयू की खराब परफॉर्मेंस को लेकर चिंता मत कीजिए। नीतीश यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार चुनाव के दौरान पता ही नहीं चला कि कौन दोस्त है और दुश्मन कौन। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव से संबंधित सभी चीजें 5 महीने पहले तय हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा हारे हुए उम्मीदवारों की कोई गलती नहीं है क्योंकि पार्टी विश्लेषण कर रही है और चुनाव में कहां चूक हुई है उस पर बातचीत होनी है, उस पर हल निकाला जाएगा। और साथ ही नीतीश ने यह भी कहा कि हार को भूलकर काम पर ध्यान दीजिए।